एक ओर जहां महापर्व छठ की धूम मची हुई थी, दूसरी ओर चीख पुकार मची थी। एक ओर लोग छठ पूजा की खुशियों में डूबे थे, वहीं दूसरी ओर कहीं मातम का माहौल था। पूरा मामला दरभंगा का है, जहां लोक आस्था का पर्व छठ लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन अचानक ऐसी घटना घटी कि खुशियों का माहौल गम में तब्दील हो गया। देखते ही देखते महिलाओं के कपड़े में आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते तब तक महिला झुलस चुकी थी। महापर्व के अवसर पर एक जगह नहीं, अलग अलग कई घटनाएं घटी हैं। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके वाली छठ घाट हराही पोखर पर एक महिला बुरी तरह झुलस गई। आनंद फानंद में प्रशासन की ओर से एम्बुलेंस दी गई, उस पर महिला को DMCH अस्पताल भेजा गया। यही नहीं, दरभंगा के DMCH में अब तक कुल 11 मरीज आ चुके हैं। अब उनका इलाज करना DMCH के लिए चुनौती बन गया है। आपको बता दें कि दिए के जलने से छठ घाट पर महिलाओं के बदन में आग लग गई। वहीं कई लोग कह रहे हैं कि पटाखे से भी महिला बुरी तरह झुलस गई। पेशेंट दिया जल रहा था, हाँ। छठ पूजा में, हाँ। उसमें सारी में आग लग गई, हाँ। स्टार्ट हो गया जलने। कहाँ कहाँ की घटना है? एक घटना है बिरहोना, हाँ। ग्राम बिरहोना पोस्ट बची थाना बहेरी जिला दरभंगा। कितने लोग जले हैं? सिर्फ एक। एक जले है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार। जो जल दीप से जलने, दीप से दिया से, हाँ। कहाँ कहाँ? घाट पर। कौन घाट पर? घाट बेनीपट्टी। बेनीपट्टी, अच्छा। कितने उम्र जली है? बेनीपट्टी में। कैसे जल गयी? घाट पटाखा फोड़ने से जली है, हाँ। कुछ हो रहा था, उसी में आग लग गया, हाँ। क्या नाम है इनका? बचिया। कभी डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डॉक्टर के लिए तो ड्रेस कोड है, एप्रोन में उसको रहना चाहिए। हम तो बराबर कहते हैं भाई, आप लोग नहीं। आज हुआ है सर, गेम हुआ ना? हाँ, आज हुआ बराबर। वहाँ तो बराबर होता है ना, लड़कियाँ रहती है और उसको जो है 10 आदमी है, खून देने के लिए कहेगा तो 200 का 200 भाग जाता है कैंटीन से। परसों रात में भी एक घटना हुई थी, एक मरीज, क्या नाम है, मकराना की क्या नाम था, उसको हम आए हैं, उसको 2 बोतल ब्लड दिलाया है, तब उसका ऑपरेशन हुआ। खून देने के लिए सारा अटेंडेंट भाग गया, हंगामा करने के लिए सारा अटेंडेंट फोन कर रहा। अस्पताल पर लोगों का विश्वास है और बढ़ रहा है, आप लोग इस चीज़ को देखिए। मान लीजिए 10 मिनट लेट ही से सबका इलाज हो गया ना, आप घूम के वहाँ से यहाँ तक आइए। मेन उद्देश्य है इलाज हो जाना चाहिए सर। आपके आने के बाद सर मेरे मैंने समझा जाए कि सुपरिटेंडेंट है तो इलाज, अगर नहीं है तो नहीं है, नहीं है अगर। हम थोड़े इलाज के हैं, इलाज तो नहीं, नहीं माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से सर आप आए उसके बाद सभी हरकत में आए हैं। नहीं, हमको तो हमको निर्मल जी फोन किए, हम बोले आप फोन को रख, हम अपने से गाड़ी चला के चले आए। क्या है तो हम बात करते, किसी को कहते, फोन करते, उससे अच्छा था हम खुद चले आए। हम चले आए तो हमारे सारे टीम जो है सो एक्टिव हो गई। अरे सर, एक आखिरी प्रश्न, जितने भी यहाँ स्टाफ थे एज ए मेल एंड फीमेल नर्स, टाइम 7 बजे चले गए, जबकि उसके 15 मिनट के बाद दूसरे स्टाफ आए हैं, क्या 10-5 मिनट इधर उधर नहीं होते हैं? नहीं नहीं, उचित तो ये है जो उनका डिलीवर आता तब जाता, लेकिन अभी हमने देखा उनकी ड्यूटी ऑफ हुई है, उनको वेट कर लेना चाहिए था। लेकिन ये क्या कहेगा, मानवीय भावना लोगों में बची नहीं। मरीज आ गया था ज़्यादा, किसी का हाथ पका था, किसी को आँख में पावर था, मैं तो सब आ गया, कोई ऐसा बात नहीं। डॉक्टर लोग तो हमेशा एब्सेंट रहते हैं सर। नहीं नहीं, हमेशा भी एब्सेंट रहता है, कौन देख रहा है? अभी तो नहीं कोई था। कौन डॉक्टर लोग? नहीं नहीं, देखिए आपको आँख के डॉक्टर यहाँ नहीं, ठीक है ना, और कान के डॉक्टर नहीं, ठीक है ना। बाकी लोग तो यहाँ हैं, दिनियाराम जी अपने हैं, उसके बाद मनीष है, राजू है, ऑर्थो वाला उसी रूम में बैठा हुआ है, इस रूम में आपको ही है, आसिफ है सर्जरी वाला। देखा गया कि सर आप कई जो हॉस्पिटल के स्टाफ है उसके ऊपर काफ़ी आप नाराज़ हो रहे थे। नहीं नहीं, हम नाराज़ नहीं होते। देखिए अब हमारा उम्र है, ब्लड प्रेशर है, तो थोड़ा हम जोर से बोल देते हैं, नाराज़ क्या, हमको तो सबसे मिला जुला के काम कराना पड़ता है। सिस्टर लोगों को भी देखा गया, आपने खुद ही देखा कि वो लोग रूम में थी। ये बात सही है, उन लोगों को मैंने कहा है थोड़ा एक्टिव हो जाइए, कहे तो आपको कोई बुल सब चाहता है तो हमको कोई नौता है, हमको बुला रहे हैं, हमको स्वतः अपने मन में ये भावना आनी चाहिए कि एकाएक मरीज आ गया है तो हम सारे लोग मिलकर इलाज। महापर्व के दिन में 12 करीब 12 बर्न केस आया सर। हर साल आता है? हाँ, हर साल आता है। और साल की क्या लगा सर, आप संतुष्ट हुए आप आए इस व्यवस्था में, और जिस तरह से 12-13 पेशेंट बर्न के आ गए? मेरी संतुष्टि से नहीं मतलब है, मरीज को
संतुष्टि मिले। नहीं आप, अब आप घूम आइए, किसी को असंतोष है तो नहीं। आपके आने के बाद तो काफ़ी बदलाव दिखा है, आपके स्टाफ भी आया, आपने कई लोगों को फ़ोन किया है, यहाँ पे जो स्टाफ है। देखिए मेरा काम है काम कराना, हम काम को देखेंगे कि नाम को देखेंगे, जो नहीं आए वो भी तो आए। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमको कोई बुलाता, हम घाट पर थे, यहाँ थे, वहाँ थे। यहाँ एक और कमी देखी जाती है सर, कि जो डॉक्टर हैं ख़ास तौर से, और वो ड्रेस में नहीं होते हैं, जिसको लेकर के भी मरीज़ या फिर उनके परिजनों को बड़ी परेशानी होती है पहचानने में। इसका फायदा नुकसान दोनों, ड्रेस में रहेगा तो हर डॉक्टर को पहचान लीजिए, रहना चाहिए ड्रेस कोड, ये अच्छी बात है। लेकिन ड्रेस में डॉक्टर रहेगा तो मरा भी जाता। हम अभी गायनी वार्ड में देखे हैं, अटेंडेंट सब डॉक्टर को पकड़ के पीटा, एप्रॉन में थी, और कैसे हम लोग जान बचाए हैं, डेढ़ घंटा के बाद पुलिस आई, उस समय आप क्या करते हैं वो बताइए। इसका क्या उपाय है? समाज को भी, समाज की भी जिम्मेवारी है, डॉक्टर को तो ड्रेस में रहना चाहिए, लेकिन समाज को भी जो है ना धैर्य के साथ इलाज करना। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।